पन्ना जिले के ग्राम ब्रजपुर में इस समय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार के दिन यहां विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाव सहित आसपास के गांव के लोग शामिल हुए। भागवत कथा यहां के निवासियों के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। इस भागवत कथा में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये भागवत कथा आसपास होने वाले धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा आयोजन बन गई है। स्थानीय दीक्षित परिवार के द्वारा आयोजित इस भागवत कथा को श्रीधाम वृंदावन से पधारे महाराज पंडित संतोष कृष्ण देव महाराज के श्रीमुख से सुनाया जा रहा है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए ब्रजपुर ही नहीं आसपास के गांव से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। ये कथा 31 मार्च 2024 से 6 अप्रैल तक आयोजित की गई है। 7 अप्रैल को यहां विशाल भंडारे का आयोजन होगा और प्रसाद वितरण के इस कार्यक्रम में भी सैकड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कथा के दौरान कथा व्यास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया। बताया गया है कि मोक्ष के मार्ग के लिए भगवान की लीलाओं को सुनना और समझना चाहिए, उनके प्रति शरणागति लानी चाहिए, तभी जीवन का उद्धार होता है। आप देखिए इस कथा के दृश्य। दृष्टि से देखा है, अब तो बड़ी जोर जोर से सर पटक पटक करके रोने लगे। पंडित जी महाराज, महाराज मुझे बेटा दीजिए, संतान दीजिए, मैं आपके चरणों में सर फोड़ करके आज ही अपना नाम नाम सत्य कर लूंगा। संत जी ने कहा कि अब तो बुरे फंसे, या तो पंडित जी को संतान दो और नहीं ब्राह्मण बेचारा मर जाएगा, ब्रह्म हत्या ऊपर से लगेगी। और संत तो बड़े दयालु होते हैं भक्तों, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा ही न जाना।